हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बेबी डायपर बनाना बताएंगे, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कंफर्टेबल सा, जो कि आप छोटे बच्चों को बना करके यूज़ कर सकती हैं, अपने पैसों की भी बचत कर सकती हैं। ठंडा, गर्मी, बरसात, हर मौसम में आप इसको यूज़ कर सकती हैं। बस आपको थोड़ा चेंज कर करके यूज़ करना होगा। आप दो तीन पीस बना करके रख लें। तो इसको बनाने के लिए ये हमने कपड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने पहले कट कर ली है। इसकी लंबाई मैंने रखी है 22 इंच और चौड़ाई इसकी है 11.5 इंच। आप बच्चों की हेल्थ के हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई रख सकती हैं। ये 6 से 7th 8 मंथ के बच्चों के लिए है, यानी कि 1 साल तक के बच्चों के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो इस तरह से हमारा ये 4 फोल्ड में हो गया है। इसको इस तरह से रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले ऊपर की साइड से हम 2 इंच अंदर को निशान लगाएंगे, जो कि हमें बेल्ट के लिए कपड़े को फोल्ड करना होगा। इसमें हमें इलास्टिक लगानी होगी, तो इसको 2 इंच की चौड़ाई में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये वाला कपड़ा हमें इस तरह से फोल्ड करके इलास्टिक लगाना होगा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप अलग से भी बेल्ट बना करके ज्वाइंट कर सकती हैं। तो इसके बाद यहाँ हम 5 इंच की दूरी में निशान लगाएंगे और नीचे से हम 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगा देंगे। तो इस निशान को इस निशान से हमें मिला देना है इस तरह से। इस निशान को हम इस तरह से गोलाई की शेप दे देंगे तो हमारी ये कटिंग बिल्कुल नेकर की तरह हो जाएगी। जिस तरह से हम बेबी नेकर बनाते हैं उस तरह से इसका निशान मैंने लगा लिया है। और यहाँ की लंबाई देखिए 5 इंच है। ये वाला कपड़ा हमें फोल्ड करके बेल्ट बनाना है। अगर इस कपड़े को अलग से ज्वाइंट करना चाहें तो अलग से आप बेल्ट बना करके ज्वाइंट कर सकती हैं। अब यहाँ से इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने कट कर दिया है। इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए बिल्कुल बेबी नेकर, जो गर्ल के लिए नेकर बनाया जाता है, सेम वही कटिंग मैंने कर ली है। अब इसको हम इस तरह से खोलेंगे। इसके बाद इसमें कोई भी प्लास्टिक का यूज़ करना होगा। तो देखिए मैंने रेडीमेड जो डायपर आता है उसकी प्लास्टिक का मैंने यूज़ किया है। आप इसकी जगह कोई भी सॉफ्ट सी प्लास्टिक लें, उसका यूज़ कर सकती हैं, जो कि बेबी को चुभे ना। तो उस तरह की मुलायम सी प्लास्टिक आपको लगाना होगा। तो इसको पहले हम इस साइड रखेंगे ताकि ये प्रिंट है अंदर चला जाए, और इस कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे। तो कपड़े को ऊपर रखने के बाद ये जो मैंने बेल्ट के लिए 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ऊपर किया है, निशान लगाया है, इसको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इसको हमें फोल्ड करना है तो इसके नीचे हमें प्लास्टिक की सिलाई नहीं करनी है। यहाँ से हम इसे रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से सेट करते हुए हम पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे। फिर इधर की साइड भी हम बेल्ट का इतना छोड़ करके हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद सिलाई लगाने के बाद हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसे हम कट कर देंगे। ये जो बेल्ट वाला कपड़ा इसे इस साइड हम कर लेंगे और यहाँ से हम प्लास्टिक को कट कर देंगे। बाकी चारों तरफ हम सेम कटिंग दोहरा लेंगे। तो इस तरह से मैंने प्लास्टिक की कटिंग कर ली है। अब देखिए उल्टी साइड से ये बिल्कुल वाइट सा है, कोई भी प्रिंट नहीं दिख रहा है, प्रिंट मैंने अंदर कर दिया है। अब इसको इस तरह से रखेंगे, फोल्ड कर देंगे डबल। तो इस तरह से बिल्कुल बेबी नेकर जैसा ये बन के तैयार है। अभी भी इसमें पूरा काम बाकी है, मैंने सिर्फ प्लास्टिक को ही ज्वाइंट किया है। तो ये वाला जो बेल्ट वाला कपड़ा है इसके अंदर हम इलास्टिक लगाएंगे, उसके बाद हम बेल्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इस साइड और इस साइड हमें पाइपिंग लगाना होगा। तो पाइपिंग के लिए मैंने कपड़ा कट कर लिया है। कपड़ा कट करके इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है एक के साथ एक को, और यहाँ से यहाँ तक हमें पाइपिंग को लगाना है दोनों साइड। और उसके साथ साथ ये मैंने एक लंबी सी पट्टी कट की है, इसे हम इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। इसको सीधी पट्टी बना लेंगे। सीधी पट्टी बनाने के बाद एक यहाँ और एक यहाँ, दो जगह हमें इस तरह से सीधी सीधी पट्टियाँ ज्वाइंट करनी है। उसके बाद हमें पाइपिंग को लगाना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको बना के तैयार कर लिया है। ये पट्टियाँ मैंने लगा दी हैं और दोनों साइड मैंने पाइपिंग भी लगा दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है,
हमें ऊपर का बेल्ट जो है लास्टिक के साथ उसे तैयार करना है। ये दोनों साइड, चारों साइड अभी हम छोड़ देंगे, पहले हम बेल्ट को बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने ये लास्टिक ली है। लास्टिक को यहाँ से यहाँ तक खींच के नापेंगे कि कितनी हमें लास्टिक की ज़रूरत है, उतनी बड़ी हम लास्टिक कट कर लेंगे। वैसे मैंने 5 इंच की लास्टिक यहाँ पे लगानी है। तो इस तरह से देखिए 5 इंच हम कट कर लेंगे। बच्चों की कमर के हिसाब से आप नाप करके इसकी कटिंग कर सकती हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो। ये मीडियम साइज़ के बच्चों के लिए है। अब यहाँ से हम दो भाग में कट कर देंगे, क्योंकि दोनों साइड हमें लास्टिक को लगाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ और यहाँ दोनों साइड हम एक एक सिलाई से लास्टिक को फिक्स कर लेंगे, इस तरह से कपड़े के अंदर फोल्ड करके इस तरह से। फिर उसके बाद हम इसको अंदर वाली सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड की लास्टिक हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड लास्टिक की सिलाई कर ली है। इस तरह से मैंने इसको बेल्ट की तरह बना करके तैयार कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे, अगर हमें नेकर की तरह बनाना हो तो यहाँ यहाँ हम सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड हमें सिलाई लगा करके तैयार कर देना है। ये बहुत ही इजी तरीके का डायपर बनेगा, लेकिन पहनाने में थोड़ा सा उसे झंझट होगा पहनाने और निकालने में। और सबसे इजी तरीका ये है कि हम यहाँ से कपड़े को ज्वाइंट करेंगे और इस साइड हम इसे पट्टियों की तरह सिलाई कर देंगे। चारों साइड हम सिलाई कर देंगे और इसमें हम विलक्रो लगा देंगे, जिससे हमें इसको पहनाने और निकालने में आसानी होगी। तो उसी तरह से हमें बनाना है। देखिए ये हमने विलक्रो लिया है, इसे हम लगाएंगे। दो दो पीस हमें दोनों साइड लगाना है। अगर आप इसकी लंबाई में ज़्यादा रखी हैं तो इसको आप एक एक पीस लंबाई में लगा सकती हैं। मेरे पास छोटी छोटी कटिंग में है, इसलिए मुझे दो दो पीस लगाना होगा। तो इस तरह से हम लगाएंगे और एक साइड, एक ऊपर की साइड लगाएंगे, एक नीचे की साइड, यानी कि हम दोनों ना अंदर की साइड लगाएंगे ना दोनों बाहर की साइड। हमें एक साइड का अंदर लगाना है और दूसरे साइड का बाहर, ताकि चिपकाने में ये उल्टा ना हो। तो अब इसकी बारी है। मैंने चारों पट्टियाँ सिलाई कर ली हैं, अब इसको लगाने की बारी है। तो देखिए इसको भी हमें ध्यान दे करके लगाना होगा। ये जो दोनों है इस तरह से वो चिपक जाएगा, दोनों दो तरह का रहेगा तो, और दोनों एक तरह का रहेगा तो वो कभी नहीं चिपकेगा। तो ये देख करके हमें सिलाई करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखिए चारों पीस हमारी एक जैसी है, तो एक साइड मैंने इस तरह से रख दिया है। अब ये वाला जो है ये चारों एक तरह का है, बिल्कुल एक जैसा है। देखिए चिपकेगा नहीं आपस में, तो इसको मैंने एक तरफ रखा है। इसको हम यहाँ लगाएंगे दूसरी साइड। देखिए एक साइड का मैंने नीचे की साइड रखा है, दूसरी साइड का मैंने ऊपर की साइड रखा है। सेम इसी तरह से रख करके हमें सिलाई कर देना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसकी सिलाई कर दी है, करीब से भी आप देख सकती हैं। तो इस तरह से सिलाई करने के बाद अब इसे हम इस तरह से चिपका देंगे। देखिए चिपकाने के बाद ये हमारा डायपर पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों को लगाने के लिए ये पूरी तरह से रेडी है, लेकिन इसे किस तरह से बच्चों को यूज़ करना है वो भी आप देख लें। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद इसे हम रखेंगे। ये जो दोनों मैंने पट्टियाँ लगाई हैं, इन दोनों पट्टियों के बीच में हमें एक इस तरह की गद्दी बना करके लगाना होगा, जो कि थोड़ा सॉफ्ट कपड़े की हो, थोड़ा मोटी हो गद्दी। इस तरह की आप 4-5 गद्दियाँ बना करके रख लें, तो एक के बाद एक यूज़ करती जाएं। एक को निकाल के धुल करके फैला दें, फिर दूसरी वाली को लगा करके यूज़ कर सकती हैं। तो ये गद्दियाँ 1 घंटा आराम से चलेंगी, फिर उसके बाद निकाल करके इसे धुल के फैला दें, फिर दूसरी गद्दी को लगा दें। इस तरह से लगा करके बच्चे को लेटा के यहाँ पर इस तरह से हमें चिप्स को चिपका देना है। तो इस तरह से बेबी डायपर बन के पूरी तरह से कम्प्लीट है, बहुत ही सॉफ्ट। ये डायपर 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर बच्चे हेल्दी हो तो इसकी चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ाई जा सकती है, यहाँ की भी चौड़ाई लास्टिक की और कमर के पास की भी चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन नॉर्मल बच्चों के लिए ये लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सही है। अगर बच्चों की गद्दी को चेंज करना है तो इस तरह से निकालें और यहाँ से इस गद्दी को हटा करके इसकी जगह आप दूसरी गद्दी यूज़ कर सकती हैं, और इसको धुल करके फैला करके इसको दोबारा फिर से यूज़ किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आज की बेबी डायपर की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।